तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास हीरो कंपनी का ग्लैमर BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक है, और यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग FI। ये फुली FI बाइक है BS6। तो फ्रेंड्स देखिए इस बाइक का, यहाँ पर हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए आप चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रहा है। ये बाइक को स्टार्ट होने के बाद चेक इंजन लाइट रिमूव होना हो जाना चाहिए, डिस्प्ले से हट जाना चाहिए, लेकिन ये बाइक का चेक इंजन लाइट जलते रहता है। अभी हम इस बाइक को करेंगे स्कैनिंग और देखेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले इस बाइक का बात कर लेकिन देखिए यहाँ पे बाइक का बैटरी भी डाउन पड़ रहा है, उस प्रॉब्लम से चेक इंजन लाइट बढ़ रहा है या फिर बाइक के अंदर दूसरा कोई प्रॉब्लम है, चलिए आपको मैं स्कैन करके बतला रहा है। देखिए यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करें, देखिए जैसे ही सेल्फ से स्टार्ट करें मीटर से टोटल लाइट गुम हो रहा है। बाइक का बैटरी डाउन हो गया था, कुछ देर चार्ज करने के बाद अभी हम इस बाइक में फिट किए हैं, फिर भी यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा ही चार्ज हुआ, सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दो तीन बार हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टार्ट नहीं होगा। देखिए कुछ देर रुक रुक करके स्टार्ट हो रहा है, और हम चेक करेंगे कि बाइक के अंदर कौन सा क्या प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि आप देख चेक इंजन में लाइट ब्लिंक कर रहा है और बाइक का स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है सेल्फ से। तो फ्रेंड देखिए स्कैन करने के लिए आपको बाइक का सीट को ओपन करना पड़ेगा। देखिए आप सीट ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सॉकेट मिल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉकेट मिल रहा है, इस सॉकेट के अंदर इसको चलिए हम इस सॉकेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से सॉकेट को ओपन कर लिए, यहाँ पर देखिए इसमें आपको 4 पिन दिखाई दे रहा है, 6 पिन का है लेकिन इसमें 4 ही कॉपलर है। अगर इसमें एक ग्राउंड होगा, बॉडी अर्थ होगा, 2 ECU से आ रहा है और एक जो है सो डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है। बाइक का इग्निशन ऑफ है और ये देखिए हीरो कंपनी का स्पेशल टूल से VCI स्कैनर है। BS6 हीरो का जो भी अभी BS6 बाइक का टोटल बाइक में VCI यूनिट प्रॉपर फिट हो, ये मुझे हीरो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। आप चाहे तो इस स्कैनर को लैपटॉप में लगा सकते हैं, फिर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम इस स्कैनर को कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम इस सॉकेट को ओपन कर लिए, इस कपलर को जिस सॉकेट से हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। जैसे इसको ज्वाइंट किया देखिए यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं आ रहा, हम बाइक का इग्निशन करेंगे ऑन। बाइक का इग्निशन ऑन कर लिए, देखिए यहाँ पर लाइट आ गया। अब इसको फ़ोन डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके करते हैं। इसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड देकर के इसको लॉगिन करना पड़ेगा, ये मुझे पहले से लॉगिन है। BT सेटिंग ब्लूटूथ सेटिंग, तो ब्लूटूथ सेटिंग पर जाकर के इसको क्लिक करना है, ऐसा करना है। ठीक, कुछ देर के बाद ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये यहाँ ब्लूटूथ का लाइट जो है VCI यूनिट में देखिए यहाँ पे बिलिंग कर रहा है, थोड़ा नज़दीक से दिख लो, देखिए लाइट जो है बिलिंग कर रहा है, फ़ोन से कनेक्ट हो गया। तब आपको इसमें से आपको बाइक का मॉडल चूज कर लेना है, यहाँ से बाइक के मॉडल पर हम क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्लैमर, तो ग्लैमर जैसे ग्लैमर बाइक पर क्लिक किए देखिए इस तरह का आपको साइट ओपन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉल्ट कोड, फॉल्ट कोड पर हम क्लिक करते हैं। तो फॉल्ट कोड पर क्लिक किए इसके अंदर देखिए 4 ठो इसके अंदर फॉल्ट कोड है, देखिए मुझे 4 फॉल्ट कोड देखने को मिला है। लेकिन आप देख क्रैंक क्रिएट लो वोल्ट बैंक कैगल सेंसर, और ये देखिए 4 फॉल्ट को जो दिख रहा है ना सबसे, ये 4ों फॉल्ट तो वैसे नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक प्रॉपर स्टार्ट भी हो रहा है, चल भी रहा है। पॉइंट यहाँ पे देखिए क्रैंक पॉइंट सेंसर, ये क्रैंक शाफ्ट का जो सेंसर है जिसको हम लोग नॉर्मली पिकअप कॉइल बोलते हैं, और ये देखिए इसका कोड है P0335। और ये कोड को मैंने PDF में चेक किया, मुझे हीरो कंपनी की तरफ से हीरो बाइक जब VCI स्कैनर लिया उस टाइम मुझे PDF भी दिया गया था, PDF में मैंने चेकअप किया तो इसका फॉल्ट कोड मुझे देखने को मिला, वो पिकअप कॉइल का फॉल्ट कोड दिख रहा है। इस मैग्नेट के पास लगा है पिकअप कॉइल, हो सकता है जितना ओम पिकअप कॉइल को सप्लाई देना चाहिए उतना ओम सप्लाई नहीं दे रहा, उतना वोल्ट सप्लाई नहीं दे रहा, उसके लिए बिलिंग कोड कर रहा है, वैसे बाइक स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है P0628, ये आपको हो सकता है फ्यूल पंप का जो सॉकेट है उसमें डस्ट चला गया, कचरा चला गया, उसको आप खोल कर क्लीन कर दीजिए। ये सब प्रॉब्लम बाइक का बहुत सॉकेट इसका ओपन किया गया था कहीं पे, क्योंकि बाइक उसको स्टार्ट नहीं हो रहा था बैटरी डाउन होने के प्रॉब्लम से। ये टोटल फॉल्ट कोड को यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे, क्लियर फॉल्ट कोड हो गया। अब हम एक बार बाइक को स्टार्ट करके चेकअप करते हैं कि ये चेक इंजन लाइट बिलिंग कर रहा है नहीं। अगर ऐसा करने से आपके बाइक का चेक इंजन लाइट बंद हो जाता है स्टार्ट के बाद तो ठीक है, अगर स्टार्ट करने के कुछ देर के बाद फिर से चेक इंजन लाइट जलने लगता है फिर से आपको स्कैन करना है। उसके बाद स्कैन करने के बाद जो फॉल्ट कोड दिखता है उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्व करना है। चलिए हम बाइक को फटाफट से स्टार्ट कर लेते और देखते हैं चेक इंजन लाइट ये रिमूव हुआ है नहीं। तो यहाँ पर स्टार्ट देखिए, जैसे हम बाइक को स्टार्ट किए देखिए चेक इंजन लाइट प्रॉपर बिलिंग करना बंद हो गया।
एक दो बार हम फिर से बाइक को ऑन ऑफ करके फिर से स्टार्ट करके चेकअप करते हैं। बाइक का बैटरी डाउन हो गया, स्टार्ट कीजिए किक से। यहाँ पे चेक इंजन लाइट प्रॉपर बंद हो गया। बहुत बाइक में देखिए इसको स्कैन करने का तरीका दो है। बहुत बाइक में इसको बाइक का जब आप देखिए इग्निशन ऑफ है, इग्निशन ऑफ में तो स्कैन होगा नहीं, इग्निशन ऑन करके स्कैन होगा। बहुत बाइक में बिना स्टार्ट किए भी इसको स्कैन कर सकते हैं। बहुत बाइक में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत बाइक में इश्यू से इसको डायरेक्ट कनेक्ट करंट इसमें आते रहता है। बहुत बाइक में स्टार्ट होने के बाद कनेक्ट होता है, फॉल्ट कोड चेकअप होता है। लेकिन अभी इस ग्लैम्बर बाइक में बिना स्टार्ट किए ही टोटल फॉल्ट कोड मुझे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड देखिए बाइक को फिर से स्टार्ट किए, चेक इंजन लाइट बिल्कुल नहीं जल रहा है, यानी कि बाइक के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला है। अगर आप लोगों को भी बाइक में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर बाइक में फॉल्ट कोड आ रहा है उसको रिपेयर किस तरह से करना है, इस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सिर्फ टोटल इसका सॉकेट ओपन करने से इस बाइक में प्रॉब्लम आ रहा था आप लोग भी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिया। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।